आज हम आपको चिकन बटाटो कटलेट सिखाने जा रहे हैं विद एल्बो मैक्रोनी। तो चले हम इसके अज्जा की तरफ ले चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने किचन राबिया दा कुकिंग एक्सपर्ट में आज हम आपको पटाटो चिकन कटलर सिखाने जा रहे हैं विद एल्बो मैक्रोनी। इन पाव मैंने आलू लिए हैं, हाफ के जी मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया। एक प्याली मैंने बॉयल मैक्रोनी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने क्रश चिली ली है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हम सोया सॉस, 2 टेबल स्पून हम चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सिरके का लेंगे। ब्रेड क्रम्स, मैदा और अंडे का इस्तेमाल हम कोटिंग में करेंगे। तो चलें अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब मैं इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मैश करूंगी ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए। और अब मैं इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। बाउल अब थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अब मैं इसको एक बड़े पॉट में ऐड कर दूंगी ताकि हम बाकी चीज़ों की जो एडिशन्स है आसानी से कर सकें और आसानी से इसको मिक्स भी कर सकें। और साथ ही इस पॉइंट में मैं इसमें तमाम मसाले जात शामिल कर रही हूँ, नमक, दड़ा मिर्च और चिकन पाउडर जो मैंने आपको बताया था। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से इसका जो फ्लेवर है सारे पटाटो में, चिकन में और मैक्रोनी में मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें जो है सोया सॉस के 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस के और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरके का ऐड कर रही हूँ। और अब हम दोबारा से इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है सारे मावे में मिक्स हो सके। ये रेडी हो चुके हैं, तो चलें हम इसके कटलेट्स तैयार करते हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं लेकिन मैं इसको बेजवी शेप दे रही हूँ, नगेट्स की तरह की ही। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से रेडी कर रही हूँ। तो चलें हम बाकियों को भी रेडी करते हैं। और साथ ही साथ मैं इसको कबाब की भी, ये देखिए आपके सामने एक शक्ल बना रही हूँ। आप इसको इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कैसे रेडी करना है। अब हम कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे में इसको कोट करेंगे, साथ ही हम इसको अंडे में कोट कर देंगे। और अंडे में कोटिंग करने के बाद साथ ही हम इसको क्रम्स में ऐड कर देंगे और क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे हम इस पर। इसी तरह से बाकियों को भी हमने रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तरफ आ जाते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और अब हम इसमें कटलेट्स को ऐड कर देते हैं और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये बच्चों की और बड़ों की दोनों की मनपसंद रेसिपी है, आप इसको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत आउट क्लास तैयार होगी, बहुत मज़े की। ये एक साइड डन हो चुकी है, तो अब हम इसको फोक की मदद से पलटाते हैं। ये देखें इसकी एक साइड बिल्कुल डन हो चुकी है और हम दूसरी साइड को अब डन करेंगे। और ये दोनों तरफ से डन हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकियों को भी इसी तरह से डन कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने कटलेट्स अगेन मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम फ्राई करते हैं। ये भी रेडी हो चुके हैं, तो चलें हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार यम्मी यम्मी से हमारे कटलेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत आउट क्लास तैयार हुए हैं, आपने इसको बनाना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इतनी आसान रेसिपी हर कोई जान सके, सीख सके। आपने अपना खूब सारा ध्यान रखना है, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।